जय साई राम। मैं ब्रिज मंसूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साई ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं शनिवार के उपाय की। 21 मार्च 2020 शनिवार क्या करना है। राहु काल इस दिन बनता है 9:25 से 10:57 तक। ये राहु काल रहेगा। इस समय में कोई विशेष कार्य मत करें, क्योंकि राहु काल में विशेष कार्य नहीं किया जाता है। राहु काल में यदि कोई कार्य शुरू किया जाए तो नुकसान होता है, इसलिए इस समय को टालना चाहिए। और यदि पहले से कोई कार्य शुरू है तो उसे कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे उपाय की। शनिवार का क्या उपाय करना चाहिए ये मैं आपको बताने वाला हूँ। लोहे का एक कील ले लीजिए और थोड़ी से सरसों का तेल ले लीजिए। लोहे का कील या लोहे का कुछ भी अंगूठी मिल जाए या लोहे की कोई वस्तु भी, आप सरसों के तेल में डालकर उसमें अच्छी तरह से अपना मुंह देखिए। तत्पश्चात इसको या तो शनि मंदिर में चढ़ाइए या हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाइए, या फिर किसी पीपल के वृक्ष की जड़ में डालिए, या जल प्रवाह करिए और या कच्ची ज़मीन पर डाल दीजिए। यह उपाय है आपका शनिवार का, जो आपको विशेष लाभ देने वाला है, नुकसान से बचाने वाला है, बीमारियों से बचाने वाला है। क्योंकि रोग, शनि की दृष्टि जब गलत हो जाती है तो रोग बहुत लगते हैं। वैसे भी आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है, हमें अपना बचाव करते रहना चाहिए। जितना अधिक बचाव हो उतना ही फ़ायदा होता है। तो ये उपाय कीजिए, बीमारियों से भी सावधान रहिए और लाभ भी लीजिए। अब मैं यहाँ आपसे इजाज़त चाहूँगा। यदि आपको कोई समस्या है जन्म कुंडली से रिलेटेड नहीं है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसका जवाब आपको 3-4 दिन में मिल जाएगा। यदि आप जन्म कुंडली से रिलेटेड कोई समस्या बताएंगे तो आपको जन्म कुंडली दिखानी पड़ेगी। जन्म कुंडली दिखाने की फ़ीस 700 रुपये होती है, जो हम परमार्थ के कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। 700 रुपया आपसे लेते हैं तो हम सेवा भाव में लोगों में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जन्म कुंडली यदि आपने दिखानी है वो भी आपको व्हाट्सएप पर ही भेजनी पड़ेगी। जवाब उसका आपकी जन्म कुंडली के अनुसार मिलेगा। साधारण जन्म कुंडली है तो 3-4 दिन में मिल जाएगा। यदि कोई योग है, कोई प्रॉब्लम है कुंडली में, तो समय लग जाता है, क्योंकि हम आम एस्ट्रोलॉजर की तरह नहीं देखते हैं कि महादशा अंतरदशा देखी और उसी समय बता दिया लाभ हो ना हो। हम उसकी पूरी स्टडी करते हैं, इसमें कौन कौन सा योग है, कैसे योग बनेगा, कैसे लाभ होगा। यदि हमें योग मिल जाए तो उसमें फिर टाइम लगता है, इसलिए समय जरूर दिया कीजिए जहाँ भी एस्ट्रोलॉजर को आप जन्म कुंडली दिखाते हैं। हाँ, लाभ आपको अवश्य होगा, ज़िंदगी आपकी बदल जाएगी, ये बात पक्की है। तो आप यदि जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप जन्म कुंडली दिखा सकते हैं। यदि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। फालतू के मैसेज कृपया मत किया करें। जो आप चित्र भेज देते हैं, फूलों की फ़ोटो भेज देते हैं, वो मत भेजा करें, वो हमें डिस्टर्ब करते हैं। हमें आप भगवान का नाम लिखकर भेजेंगे तो हमें खुशी होगी, फालतू के मैसेज देखकर खुशी नहीं होती है। और वैसे भी जब आप अपना कोई सवाल लिखकर 5 मैसेज दूसरे इधर उधर के भेज देते हैं तो आपका सवाल बीच में दब जाता है, पता ही नहीं चलता, और हमें लगता है ऐसे ही किसी ने भेजा है, हम उसको छोड़ के आगे चले जाते हैं। इसलिए जब आप सवाल लिखें तो फिर कोई मैसेज मत करें, ताकि सीधा ध्यान सवाल की तरफ जाए। तो अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार, और फ़ोन मत कीजिए, फ़ोन यहाँ पर कोई नहीं उठाता है। 9814450802 मेरा नंबर है, व्हाट्सएप भी नंबर है, पेटीएम नंबर भी यही है, व्हाट्सएप नंबर भी यही है, गूगल पे नंबर भी यही है। तो अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान।